हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभिरत इथरीकरण विधि। सर, अभिरत क्या होता है? अभिरत मतलब बिना रुके हुए, अभिरत माने बिना रुके हुए। इथरीकरण का मतलब भैया ईथर बन जाना चाहिए, और विधि का मतलब तो विधि होती है भाई साहब, यानी ऐसी विधि जिसमें बिना रुके लगातार ईथर बनता रहे, कहलाती है अभिरत इथरीकरण विधि। बहुत आसान होती है सर। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं सर, लेते हैं एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है दोस्तों, एथिल एल्कोहल नाम है, कैसे पहचानेंगे? C2H5 माने एथिल, OH माने एल्कोहल। दोस्तों यही ईथर को बनाने की डाई एथिल ईथर को बनाने की यही प्रयोगशाला विधि भी होती है। यानी आपसे पूछा जाए डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए या अभिरत इथरीकरण विधि लिखिए, सब में आपको यही लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? एथिल, सबसे पहले एथिल अल्कोहल, यह क्रिया दो पदों में पूरी होती। पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। भैया यहां देखिए, इसका एक एच और इसका ओ एच, एच टू ओ अलग हो जाए तो बचेगा क्या? बचेगा C2H5 और HSO4 जुड़ जाएगा, प्लस में मेरे भाई H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, C2H5 HSO4 प्लस H2 अलग हो गया। दूसरे स्टेप में इसे उठाएंगे, देखिए C2H5 HSO4 को उठाया और उसकी क्रिया कराई फिर C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल से दोबारा से। ये देखिए C2H5OH पहले लिया, दोबारा फिर लिया दूसरे स्टेप में। ठीक है, सेकेंड स्टेप है ये सर। अब क्या किया, देखिए इसका C2H5 और इसका OC2H5, ये बन जाएगा C2H5 OC2H5 और प्लस में H2SO4 जैसा शुरू में था वैसा ही बच जाएगा। कुछ बातें क्लियर करते थे, जब भी कभी बीच में O लगा होता है, इधर उधर कोई एल्किल ग्रुप है, तब उसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं दोस्तों? ईथर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डाई एथिल ईथर। डाई माने दो, डाई माने दो, एथिल माने C2H5 और ईथर के लिए बीच में ओ, यानी C2H5 को हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर क्या होता है? C2H5 OC2H5। कैसे लिखेंगे आप सुनिए, डाई ईथर ईथर बनाने के लिए सबसे पहले एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराकर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त करते हैं। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की एथिल अल्कोहल से पुनः क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा अभिक्रिया के प्रारंभ में था वैसा ही आखिरी में बच जाता है। इस प्रकार यह क्रिया लगातार चलती रहती है और ईथर का निर्माण होता रहता है, इसलिए इस विधि को अभिरत इथरीकरण विधि कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जबकि मैं पूछ लिया जाता है कि आप एथिल अल्कोहल से ईथर कैसे बनाएंगे, या क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की H2SO4 से क्रिया होती है। काफी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। नाम हम फिर बता देते हैं, ये एथिल अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये डाई एथिल ईथर है। बस दोस्तों, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।